सफलता प्राप्ति के लिए कैसे करें स्वास्तिक का प्रयोग। पंच धातु का स्वास्तिक बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करके चौखट पर लगवाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। घर में नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगाने पर वास्तु दोष व लक्ष्मी प्राप्त होती है। वास्तु दोष दूर करने के लिए 9 उंगल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक सिंदूर से बनाने से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्म संतुष्टि देता है। गुरु पुष्य या रवि पुष्य से बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। त्योहारों में द्वार पर कुमकुम, सिंदूर अथवा रोली से स्वास्तिक बनाना मंगलकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए द्वार पर इसे बनाया जाता है। अगर कोई 7 गुरुवार को ईशान कोण में गंगा जल से धोकर सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाए और उसकी पंच उपचार पूजा करे, साथ ही आधा तोला गुड़ का भोग भी लगाए तो बिक्री बढ़ती है। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता को बिठा के पूजा करें तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवस्थान में स्वास्तिक बनाकर उस पर पंचधान्य का दीपक जलाकर रखने से कुछ समय में इच्छित कार्य पूर्ण होते हैं। भोजन करने से पहले आसन के नीचे पानी, कुकू, हल्दी अथवा चंदन से स्वास्तिक बनाकर उस स्वास्तिक पर आसन बिछाकर बैठकर भोजन करने से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। सोने से पूर्व स्वास्तिक को अगर तर्जनी से बनाया जाए तो सुख पूर्वक नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते हैं। स्वास्तिक में अगर 15 या 20 का यंत्र बनाकर लॉकेट या अंगूठी में पहना जाए तो विघ्नों का नाश होकर सफलता मिलती है। मनोकामना सिद्धि हेतु मंदिरों में गोबर और कंकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। होली के कोयले से भोज पात्र पर स्वास्तिक बनाकर धारण करने से बुरी नजर से बचाव होता है और शुभता आती है। पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाते समय गोबर से स्वास्तिक भी बनाती हैं, शुभता के लिए और पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए। वास्तु दोष दूर करने के लिए पिरामिड में स्वास्तिक बनाकर रखने की सलाह दी जाती है।